अरे रास्ता भटक गया इसलिए मैप देखने पड़ रहा है। देखो अभी कहाँ पर है हम लोग। सो नमस्ते गाइस, मैं हूँ रवि और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएम ब्लॉग्स। ऐसे काफ़ी महीनों के बाद हम मतलब सिटी राइड करने जा रहे हैं और वीडियो भी बनाने जा रहे हैं, जो कि हम आज जालुकबारी से होके पूरा सिटी को एक राउंड मारेंगे, इसके बाद वापस अपनी जगहों पे आ जाएंगे। यह है मेरे साथ सुप्रकाश भैया, रिपब्लिक डे ही था लास्ट, वही था, इसके बाद हम बहुत दिनों बाद हम निकल पड़े। अभी हम पहुंच गए आदाबारी में, जो कि यहाँ पर एक नया मॉल खुलने वाला है, जो एनसीएस स्क्वायर मॉल का इनॉग्रेट होने वाला है अभी कुछ दिन बाद। देखो इतना जाम लगा रहता है यहाँ पर, इतना बस, इतना कार यहाँ पर, मतलब गुवाहाटी में शाम के टाइम में और ऑफिस टाइम होता है ना यहाँ पर बहुत, अरे यार गाड़ी वाला एकदम बहुत जाम होता है। सो अभी हम भोरलू पहुँचने वाले हैं, इधर ही टर्निंग है, मतलब वो मालीगांव से लेकर जो कामाख्या गेट होता है ना, इतना गंदा वाला ट्रैफिक होता है, मतलब पूछो ही मत, मतलब शाम के टाइम में ज़्यादा होता है, सुबह भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम वीडियो बना नहीं पाए। इतना जाम कि हम फुटपाथ से खाना पड़ा, देखो हम लोग कितना जाम लगा हुआ है। देखो यहाँ पे एक घाट लासित घाट में थोड़ा एक गेट था, लेकिन यहाँ पे जो इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, इसके वजह से यहाँ पर बंद कर दिया। हम लोग आगे से जाना पड़ेगा ना, हम लोग अभी आगे से जाऊँगा और देखेंगे क्या क्या होता है। चलो तो अभी हम ये लासित घाट में है, जो रास्ते में पड़ते फैंसी के आगे ही है थोड़ा, और इधर ही थोड़ा ऐसे ही बैठने के लिए आए हम लोग। उधर दिखाओ तो थोड़ा, इधर मतलब थोड़ा फेस्टिवल हो रहा है क्या, जो चलता रहेगा कुछ दिन, दो तीन दिन और है शायद, इसलिए बहुत, देखो इधर बहुत सारे लोग हैं, मतलब इधर भी कुछ रनिंग कर रहे हैं, उधर दुकान बहुत सारा दुकान है। वही हम लोग इतना दूर नहीं जाएंगे, रात हो जाएगा ना, हम एक राउंड मारने वाला है हम लोग अभी नुनमती होके, देखेंगे कितना दूर जाएंगे। तो चलो फाइव टेन बजे अभी, मतलब अभी रात अंधेरा होने वाला है, थोड़ा हम लोग अभी सिटी से थोड़ा बाहर है, इसलिए थोड़ा मतलब ट्रैफिक बहुत कम है। ये हम ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे हम लोग अभी देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ पर है हमारा ब्रो तो ट्रैफिक के वजह से वीडियो बना नहीं पाया था, इसलिए अब विस्तार दिया, मतलब अच्छा ही है, ट्रैफिक बहुत कम है इधर, मतलब नदी के किनारे किनारे, देखो नज़ारा, देखो यार नज़ारा बहुत अच्छा। चलो मिलते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा है, आज पहली बार आया हूँ इधर, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। हाँ और रास्ता पूरा ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे सुबह सुबह पूरा साई नाश्ते के साथ। हाँ हाँ चलो फिर। अभी थोड़ा उठना पड़ेगा, थोड़ा एलिवेशन नहीं था, थोड़ा उठना पड़ेगा बोला। पेट्रोल पेट्रोल या पेट्रोल कम हो गया। तो हमारा जो आज इवनिंग वाला राइड है, उसका भी कुछ छोटा सा रीज़न है जो कि आप लोग को बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले प्लानिंग तो सुबह मॉर्निंग राइड का ही था, हाँ, लेकिन बाद में पोस्टपोन हो गया, अभी इवनिंग राइड, इवनिंग राइड हो गया।
ये भाई ये रास्ते में तो कभी आए नहीं थे, इतने पास ही थे, सिटी के थोड़ा बाहर है। देखो ना रास्ता इतना खूबसूरत रास्ता है, कभी दिमाग में नहीं आया इधर भी आ सकते हैं बोल के। चलो आज ऐसे घूम घूम के हम लोग आ गए। वो आईफोन चलो कुछ तो अच्छा मिला आज घूम घूम के, इतना ट्रैफिक में चला चला के पूरा थक गया। अब सुबह इवनिंग राइड वाला रीज़न है कि हम लोग आजकल सुबह उठ नहीं पाते, रात को नींद नहीं आते और सुबह नींद नहीं खुलते। बहुत क्या बहुत दिक्कत हो रहा है आजकल ये ज़िंदगी में, बहुत दिक्कत। अभी डाउन है, चलो अभी ये अच्छा ही है डाउन, एक हाथ में चलाऊंगा। ओहो अरे इतना अच्छा रास्ता है के लिए ये रिकमेंडेड है, रास्ता बहुत अच्छा है। फाइन कैसा रास्ता है, मक्खन रास्ता है, मक्खन एकदम मक्खन रास्ता। अच्छा मिनी शिलोंग, सच में ये मिनी शिलोंग है पूरा इतना। और यहाँ का घर भी इतना अच्छा अच्छा है ना, दामी दामी घर है सब। इधर क्या है, पानी ग्रहण केंद्र। अच्छा तो ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे हम लोग आ पहुँचे। ये क्या है, इसका जगह का नाम क्या है, नूनमती पहुंची गए शायद। हाँ शायद नूनमती पहुंची गए। हाँ ये भी है नूनमती, साइड में गुवाहाटी रिफाइनरी ऑफिस ना। अच्छा मतलब गुवाहाटी में हो गया मेरा, दो ढाई साल हो गया, आज पहले बार इधर आया हूँ मैं। बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है सबके लिए ना, ऑल साइक्लिस्ट। हाँ ऑल साइक्लिस्ट आप लोग के लिए ये रिकमेंडेड प्लेस है, मतलब रूट है बहुत अच्छा है, बहुत नहीं आया। हाँ जो जो आप लोग पहले नहीं आया आ सकते हैं इधर, बहुत अच्छा है। तो चलो अभी रात भी होने वाला है, वीडियो का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं आ गया अभी। देखो ना ये मेन गेट। हाँ ये केबी का केंद्रीय विद्यालय का मेन गेट है क्या, केबी नूनमती। अच्छा आईओसी, आईओसी का मतलब क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हाँ इसका तो अभी हम आते आते क्या है, ये कौन सा फील्ड, बहुत कोई बच्चा लोग फुटबॉल खेल रहे ये थोड़ा देख लिया, अच्छा लगता है जब फुटबॉल खेलते हैं ना, मेरे दिल में जोश आ जाता है। बोला हम भी कभी फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, अभी भी खेलता है, अच्छा फुटबॉल खेलता है, अभी भी खेलता हूँ लेकिन इतना खेलता नहीं हूँ, बड़ा मोटापा हो गया मेरा। देखो तो चलो खेलते रहो। ये क्या क्या है, नारंगी के भी नारंगी है, बस के भी नारंगी का बच्चा है। तो चलो अभी अंधेरा होने वाला है, बहुत दूर जाना पड़ेगा हमको, इसलिए बाय। तो चलते चलते एक बात याद आ गया, वही कि जो हम लोग रिपब्लिक डे में राइड किया था ना, उस दिन एक गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया, और क्या कहूँ आप लोग, एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी करो आप, बाइक चलाओ या मोटर बाइक चलाओ, आप लोग हेलमेट ज़रूर पहनेगा, क्योंकि हेलमेट भी बहुत क्या करता है, सेफ करता है आपको। हमारा जो मेन पार्ट है ये माथा को बहुत मतलब सेव करता है। मेरा भी वो रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ था, इसका पूरा हेलमेट खराब, हाँ पूरा डैमेज हो गया, नहीं रहा पूरा। अभी तो मैं दूसरा वाला हेलमेट पहन रहा हूँ, वो रिंकन भैया का है, तो सो थैंक यू रिंकन भैया, उसके एक्स्ट्रा था इसलिए मुझे उसने दे दिया, पता चला था ना मेरा एक्सीडेंट हुआ ऐसे ऐसे। सो थैंक यू वन सेकेंड एंड वही ऑलवेज वेयर हेलमेट, हेलमेट पहन के चलाया करो, अच्छा है आपके लिए भी आपका फैमिली के लिए भी। तो वही ग्लोव्स वगैरह पहनो, मेरा तो अभी ग्लोव्स ही नहीं है क्योंकि उस दिन ही फंस गया, हेलमेट भी फंस गया ग्लोव्स भी फंस गया, तो हेलमेट तो मिल गया अभी, ग्लोव्स बाद में नया खरीद लूँगा। तो हम लोग को शायद यहाँ से टर्निंग लेना होगा, अभी पता नहीं कहाँ पर है हम लोग,
अभी हम राइड लेंगे, हम हो रहा है 5:30 हो गया, 5:30 अभी नंबरी से शॉर्ट कट रास्ते है, गली गली से जा रहे हैं हम लोग। अभी तो रास्ता थोड़ा ख़राब है कंस्ट्रक्शन के वजह से, मतलब उधर ड्रेन ड्रेन बना रहा था शायद। देखो 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 देखो, 5:30 से ज़्यादा हो गया अभी अंधेरा, अभी वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा खराब आएगा, जो दिन में आता है वो तो रात में कहाँ आएगा। हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा हमको इधर से। हाँ देखो ये नीचे से ये सनमारी फ्लाई ओवर ना, ये सनमारी फ्लाई ओवर हम है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे तो सनमारी फ्लाई ओवर के नीचे पहुँचेंगे, इधर से जाना पड़ेगा। हाँ प्रॉब्लम सुन हो गया, हमको पता नहीं था, अनजान थे हमारे इस रास्ते पर, ये अनजान थे दोनों के लिए, तो कुछ पूछ के इधर तक आया हाईरोड के। अभी मैप देख के वापस इस साइड जाऊँगा, इस साइड तो क्या, लेट्स गो। अभी हम दिघली पोखरी पहुँचने वाले हैं, दिघली पोखरी में हम वहाँ से आगे हम लोग देख रहे हैं पूरा सेक्टर वन होते हैं सनमारी होता है, दिघली पोखरी पर पहुँच गए। अभी दिघली पोखरी से हम लोग जाएंगे जालू पर, जालू पर और यह है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर है। हाँ ये है आई लव गुवाहाटी, इधर थोड़ा फोटो वगैरह शूट किया, 10 रुपया पर हेड। और ये है हमारा साइकिल वाहन, ये है सूरज भैया का। और अभी हम चलते हैं पान बाजार होके जाएंगे, अभी कुछ खाएंगे उधर कॉटन के सामने में कुछ खाएंगे, इसके बाद तो घर घर ही। तो चलो हम लोग डायरेक्ट घर, मतलब जालू बोरे होके, तो चलो चलते हैं। अभी खाना वगैरह हो गया, मोमो सूप सब खेल लिया, अभी हम चले जाते हैं। अभी जाऊंगा फैंसी की तरफ जाऊंगा, इसके बाद तो हाईवे पकड़ के डायरेक्ट मालीगाँव। अभी तो जाम मिलेगा पता है, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, तो चलो। ये है कॉटन कॉलेज के गेट के सामने, ये मेन गेट है ना, यही ये मेन गेट। ओ इधर ही बहुत मोमो का ठेला देखते हैं ना, इधर ही था हम लोग अभी गेट के सामने। अभी मतलब थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगा है, मैं कुछ भी स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहना ना, वैसे ही साइकिलिंग करते वक्त थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है, इसलिए कुछ पहन के नहीं आया, सिर्फ वो जर्सी साइकिलिंग जर्सी थोड़ा शॉर्ट्स पहन ये पहन के, फिर भी थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रहा है, ऐसे थोड़ा स्पीड चलाने से गर्मी आ जाएगा शरीर में। क्या बोलते हो, ठंड लग रही कि नहीं? नहीं लग रही। अच्छा मेरे को ठंड लग रहा है बहुत, तो इधर जाम स्टार्ट हो गया हमारा। ब्रो मेरा वीडियो बना बना के आ रहा है, रील के लिए हो गया क्या, इंस्टाग्राम के लिए? चलो फिर आज का जो राइड था तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मेरा रास्ता अलग अभी और सुपरगंज भैया का रास्ता अलग, तो अभी ACC जाएंगे हम, इधर जालू पर होके यूनिवर्सिटी होके जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम, आज तो संडे, आज तो क्या शताब्दी है, देखते हैं कब मिलते हैं, फिर ट्रेनिंग बनाते हैं। और आज तो अच्छा ही लगा, बहुत दिनों के बाद सदा मदा से तिरक करके आज बहुत ही अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। हाँ तो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, सब कुछ एक साथ ही बाय। तो हम चलते हैं अकेले अकेले, थैंक यू, बाय बाय। तो हमारा रास्ता इधर है, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर होके जाना पड़ेगा मुझे, तो चलो बहुत दिक्कत है भाई, वैसे भी इतना ट्रैफिक के बाद आया हो, इतना ट्रैफिक था भाई। ओके अभी यूनिवर्सिटी का गेट, इसके बाद हम जाएंगे। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुझे एक दोस्त मिल गया जो हमारे स्कूल से थे, वो है हमारे मिशेल, मिस्टर मिशेल। तो इसको पसंद है कमेंट में बता देना, हाँ सब्सक्राइब करना और मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, हमारे बाद वीडियो आने वाला है और इस चैनल में, तो
यही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।